हेलो लिशा, हेलो। तो आप ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर गए हो? करना क्या कर रहे हो आज? और साथ में क्या देख रहे हो? शिनचैन। ये देखिए शिनचैन चल रहा है अभी भाई इधर, क्योंकि मॉर्निंग में ये यही देखती है। हाँ देखते हैं यार। अलीशा, अलीशा भी कहती चलते हैं कहीं ना कहीं। तो सच में? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं तो नहीं। आज तो फिर मजा आ जाएगा। हाँ छुट्टी भी है ना, चलते हैं। आपकी गाड़ी गंदी हो गई है, अच्छे से साफ कर लो उसको। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज है संडे, तो थोड़ा संडे को मैंने सोचा थोड़ा सा अलग ब्लॉग बनाते हैं। क्या करती हूँ, तो अभी मैंने घर का सारा काम ख़त्म किया है, तो अभी मैं थोड़ा नहाया, बाल धोए, मैं थोड़ा सा इनको टॉवल के साथ थोड़ा सा सुखा लेती हूँ। मैं ड्राई नहीं करती हेयर ड्राइड से, क्योंकि उससे बाल ना अजीब से हो जाते हैं ऐसे। मैं क्या बताऊँ किस तरीके से हो जाते हैं, जैसे ड्राई अजीब से हो जाते हैं। फिर मैं इनको नेचुरली ड्राई होने देती हूँ, ज़्यादा वो नहीं करती। तो ये देख सकते हैं। और आज का जो था, आज हमने डिसाइड किया था कि हम कहीं घूमने जाएंगे, बट अभी हम घर पे ही हैं और टाइम हो गया है 2:45। तो देखते हैं कितनी जल्दी निकल पाते हैं। हमें दूर नहीं जाना है, बस थोड़ी सी शॉपिंग करनी है घर की, कुछ ग्रॉसरी के लिए, और फिर हम जाएंगे अलीशा को लेके कैफ़े, क्योंकि वो बड़े दिनों से बोल रही थी कि भाई मुझे लेके जाओ कैफ़े। तो वहीं पर लेके जाएंगे हम। स्किन केयर के लिए कुछ ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, जैसे अभी मैंने बाहर जाना है, जब मैं जैसे भी मुंह धोती हूँ उसके बाद जो है ये लगाती हूँ मैं, सनस्क्रीन पतंजलि का सनस्क्रीन विद नेचुरल मॉइस्चराइजर SPF 30। ये यूज़ कर रही हूँ मैं करंटली, क्योंकि मेरी स्किन सर्दियों में काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो उस वजह से मुझे इसको यूज़ करना पड़ता है। दूसरे भी होते हैं, लेकिन वो काफ़ी ये मतलब सर्दी में आप यूज़ करोगे तो ये इतना ड्राई नहीं रहता, लेकिन जैसे दूसरे वाले आप जो सनस्क्रीन यूज़ करोगे वो ड्राई होते हैं, तो मुझे उसके साथ मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो अभी हम करते हैं इसको अप्लाई। मैं थोड़ा मसाज भी करती हूँ, थोड़ा सा करती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसको मैं एक्स्ट्रा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ा हल्का सा जो है स्किन पे मसाज भी करना है। ये देख सकते हैं, जब अच्छे से अप्लाई किया ये भी यूज़ कर सकते हैं आप अपने नकल्स भी। मैं ज़्यादा इसलिए लगाती हूँ ये सनस्क्रीन क्योंकि इसे अच्छा हो जाता है। ये देख सकते हैं आप पूरा कितना मैंने लगाया था, सब अब्जॉर्ब हो गया मेरी स्किन में, मुझे मतलब इतनी ड्राइनेस रहती है सर्दियों में। अब मुझे हल्का सा और लगाना पड़ेगा। तो देखिए अभी मेरा मसाज भी हो गया, मैंने बहुत कम समय में करा है। बड़े लोशन जो है ये लगाऊंगी, डी मॉइस्चराइजर जो हाथों में मैक्सिमम मैं यूज़ करती हूँ, नेविया का यूज़ करती हूँ मैं।
अब मैं यूज करूंगी बिंदी, तो गाइस अभी के लिए मैं डन हूँ, फिर मिलते हैं जब हम घर से निकलेंगे। तो गाइस मैं रेडी हूँ, आप देख सकते हैं मैंने बाल भी कर लिए अपने, हाँ फिर सिर्फ जूते रह गए। आप देख सकते हो मैंने चप्पल पहनी है, सॉक्स पहनी है, सिर्फ जूते पहने। तो ये रहा मेरा आज का आउटफिट गरम गरम। हम दोनों कैसे रखे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें। ओपन करो इसको, चलो बाहर अंदर वाली साइड। अभी हम निकले तो हैं यहाँ से, बट आगे पता नहीं कितना ज्यादा जाम लगने वाला है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम लगता है, थोड़ी सी जगह है हमारी, 5 मिनट भी ज्यादा, 2 मिनट में वो क्रॉस हो जाती है जगह, लेकिन इस टाइम बता नहीं सकते आपको कितना बुरा हाल है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं अभी। अभी अरे यार बढ़िया वाली बात है कि जाम नहीं लगाया। देखो मैं दिखाती हूँ आपको वो जगह जहाँ पे जाम लगता है मैक्सिमम, ये वाला एरिया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम होता है यहाँ पे, आप आगे देखिए, आगे से दिखाती हूँ फ्रंट वाला एरिया आपको। इसको बोलते हैं यहाँ पे, इस जगह का नाम है मियाँ बाग। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम लगता है, बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और हमें कितना सा क्रॉस करना होता है। ये धार रोड से जाके ये मिलता है ऊपर नेशनल हाईवे से NH 44 से, तो इतनी सी जगह पे इतना जाम होता है कि आपको बता नहीं सकते कि हमें निकलने के लिए घंटों भी लग सकते हैं अगर हम फंस गए ना इसके बीच। आज पता नहीं ऊपर वाले की दया से क्यों इतना कम ट्रैफिक है यहाँ पे, मैक्सिमम ट्रक छोड़ते हैं तो तब जाके होता है यहाँ पे जाम। कौन सा चौक है यार, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा ना, हाँ गोल मेला। बस यहाँ से ऊपर को मुड़ने होते हैं ट्रक सारे इस वाले, ये ऊपर जाके यहाँ पे हाईवे से मिल जाएंगे। बस सारा जाम जो है यहाँ तक होता है, इतनी सी जगह पे इतना जाम होता है कि हमें निकलना, मतलब मैं तो आना ही नहीं चाहती, मैं घर से निकलना ही चाहती। अभी मैं शायद 1 वीक के बाद निकली हूँ, मन नहीं करता है। करना क्या, आप निकलोगे आपको थोड़ी सी जगह के लिए कम से कम 1-2 घंटे वहाँ पे जूझना पड़ेगा, तब जाके वो होता है, तो इसलिए मैं निकलती नहीं, मैं घर से ही। अभी हम जा रहे हैं इस कैफे में जो रिसेंटली खुला है, ऊपर बैठने की भी जगह है इधर। वाओ आप जाओगे, इधर ही आए थे हम। अभी इनका ये लगा हुआ लोगो, साइड हो जा थोड़ा सा लीशा। वाइब तो अच्छी आ रही है। आप यहाँ पे बैठ के आराम से ये कर सकते हैं, यहाँ की डेकोरेशन बहुत बहुत प्यारी है, छोटा सा है, आराम से आप अपनी फैमिली के साथ आओ यहाँ पे बैठे। हे हेलो एवरीवन, बहुत प्यारा डेकोर है इसका, आप ये ऊपर भी देख सकते हैं, मुझे ऐसे शूट करना नहीं आ रहा है। वाह, हम यहाँ पे कॉर्नर वाली सीट ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से बाहर का सब दिख रहा है। वाह, तो अभी हम यहाँ आ गए हैं, तो अभी देखते हैं हम कैसे, पर मुझे इसका डेको ना बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही प्यारा, और मतलब होता है ना कि आंखों को तसल्ली देने वाला है। यहाँ पे आया है हमारा एक ऑर्डर का एक अभी चीज, कौन सा है ये भूल गई मैं, अल्फ्रेडो वाइट सॉस अल्फ्रेडो पास्ता आ गया हमारा, हमने जो ऑर्डर किया था। यहाँ पे अभी हमारा दूसरा ऑर्डर भी आ गया, डंपलिंग्स भी आ गई यहाँ पे, यहाँ पे कॉफी भी हमारी आ गई है, कैपुचिनो हमने दोनों। तो गाइस फर्स्ट बाइट आप सबके लिए, ब्लेसिंग सीधे रहो ना, चुप मत, एक बीच में कोई नहीं आएगा। अब मैं डंपलिंग ट्राई करूंगी, आप देख सकते हैं डंपलिंग।
तो हमारे ऑलमोस्ट पिज्जा भी रेडी होके आ गया है। तो ये रहा हमारा पिज्जा, ये रहा हमारा ऑर्डर किया और सब कुछ। चलो अब टेस्ट करते हैं क्योंकि मैं, मेरी बैटरी जो है फोन की लो हो रही है। तो अभी हमारी शॉपिंग डन हो गई है। यहाँ पे बहुत रश था तो मैं अंदर शूट नहीं कर पाई। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक मेरे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया। सब्सक्राइब करने के साथ प्लीज़ बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलो गाइस मिलते हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ। अगर देन बाय बाय।